और हमारे ब्रदर्स भी हैं जो हमें साथ देते हैं, और इस शुभ कार्य में जब साथ देते हैं तो जरूर सफलता तो मिलनी ही है। और जितने हमारे जो महिलाएं जो उपचार ले रही है इस आरोग्य शिविर के थ्रू, तो उनको भी जो उसका जो लाभ मिलता है उससे बड़ी मुझे खुशी होती है। और तमाम समाज सेवी लोग हैं जो मेडिकल कैंप का आयोजन तो करते हैं लेकिन दवाइयाँ या फिर उसके जांच का पैसा रखते हैं, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, फ्री है या कुछ विशेष भी है? नहीं नहीं, हम तो मुफ्त हैं, यहाँ पे मुफ्त हैं। और यहाँ पे सब कुछ मुफ्त क्यों है, क्योंकि हमारे साथ जो अस्पताल है श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जो उनके जो ओनर है डॉक्टर सचिन पाटिल, वो खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं सोशल वर्क में, और सौभाग्य से वो मेरे इनकम टैक्स के क्लाइंट भी है, क्योंकि मैं सीए हूँ तो वो मेरे क्लाइंट है। तो हम कम से कम 20 साल से साथ में रह के समाज सेवा का कार्य भी करते हैं और करते रहेंगे। एक हफ्ते पहले इसी एरिया के आसपास में आपका हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम था जहाँ पे हजारों की क्राउड हुई थी, आज भी आपके प्रोग्राम में सैकड़ों। अच्छी बात, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये मेडिकल कैंप हो या हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हो या विधवाओं का जो हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, जो साड़ी वाटप रखते हैं, या उनके लिए हम पेंशन योजना के थ्रू उनको जो पेपर वर्क है वो जो हम करते हैं, या बीएमसी में जो सुविधाएं आते हैं हमारी महिलाओं के लिए, जैसे कि सिलाई मशीन, चक्की का आटा जो कम दाम में यानी कि 1000 रुपये में, जो जितने फॉर्म के जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो ये हम लोग पहले से करते आए हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हमारे चुनाव से। लेकिन लोगों की जो मांग है यही है कि ऐसा नेता हो हमारा नेतृत्व करे जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, तब बताइए आपकी क्या रहेगी? जो लोगों की जो राय होगी उसी के साथ तो मैं रहूंगी। मैं यहाँ पे खड़े लोगों से भी जानना चाहूँगा क्या कुछ कहेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट और पुष्पा मिलिंद मोहले को लेकर। इनका जो इस समाज सेवा का जो नेक काम है ये बिल्कुल समाज हित में है, और ऐसे जैसे आपने भी प्रश्न किया था कि लोग इनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी में हैं कि मैडम को टिकट मिले और यहाँ से विजयी होकर आए, ताकि जो इनका समाज सेवा का जो ये काम है और मजबूत ढंग से हमारे बीच में आए, इसके लिए हम इनको आज ही बहुत बहुत अपने तरफ से, अपने दुर्गा नगर के तरफ से ये बधाई देना चाहेंगे कि आप इसी तरह से अपने समाज काम में आगे बढ़ते रहिए और आगे का फैसला हम नेतृत्व कीजिए, आगे हम आपके साथ। बात करें मैडम किसी पार्टी से आए या अपक्ष आए तो किस तरह का सहयोग रहेगा आपका? मैडम चाहे जैसे आ जाए हमारे बीच में, हम इनके साथ हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप मेडिकल कैंप के आयोजन में आए हैं, संचालन कर रहे हैं, देखिए जो ये कार्य चल रहा है अनिवार्य चलता रहेगा। रही बात है चुनाव का, तो चुनाव के लिए हम इनके साथ में समर्पित हैं, ये चुनाव लड़े या ना लड़े इनकी अपनी इच्छा है, लेकिन समर्पण हमारा इनके साथ में ही है। मेरा सवाल आपसे होगा कि नेता न रहते हुए भी जो लोगों के दुख दर्द में पहुंचती हैं, तो क्या उनके लिए चुनाव लड़ना ठीक रहेगा या नहीं? ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे समाज का सौभाग्य है। मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, इन्होंने सोशल वर्क मैं जो एक्टिविटी दिखाई है, और मैं कांग्रेस जिले का महासचिव होने के नाते हम इनको कांग्रेस के लिए ट्राई करें, हमारी पूरी टीम वार्ड 74 की टीम ट्राई कर रही है, अगर इनको कांग्रेस से टिकट मिलता तो हम इनके साथ, अगर नहीं मिलता तो हम इनको फिर भी लड़ाएंगे अपक्ष निर्दलीय, ये मैम की इच्छा के ऊपर डिपेंड। सेवा के थ्रू ही लोगों के दिल में जगह बनाए रखना चाहती हूँ, ऐसे लोग अगर नगर सेवक चुन के आए तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या प्लान है आपका, जो आपका शुभमंगल चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या क्या काम करती है, कितने समय से कार्य करती आ रही है? शुभमंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट वॉज रजिस्टर्ड इन 2007, हाँ, तो हम 10 साल से ये कार्य कर रहे हैं, हम 10 साल से ये कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य में हम ज्यादातर हम महिलाओं के लिए ज़्यादा कार्यक्रम होता है हमारे थ्रू, और जो नीडी बच्चे होते हैं, जो रोड के बच्चे होते हैं उनके लिए हम कार्य करते हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी आजकल आपको पता है कि आजकल ये मॉडर्न युग में न्यूक्लियर फैमिली के वजह से उनको बहुत दिकारा जाता है, तो उनके लिए हम ज़्यादा सेवा करते हैं, बीमारी का शुरुआत हो जाता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा इस पर जोर डाल दिया है। और साथ ही में हमने MBBS डॉक्टर्स भी रखे हैं 3, जो नॉर्मल जो उनके चेकअप करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी उनकी हो, ताकि हम आगे चल के जो उनकी बीमारियों का जो इलाज है हम अलग हॉस्पिटल से भी कर सकें।